वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा और दोस्तों मैं हूँ पूजा। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ अमेजॉन दिवाली शॉपिंग हॉल का अनबॉक्सिंग रिव्यू। मैंने यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट परचेज किए हैं बट मैं आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 प्रोडक्ट ही दिखाऊंगी बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है और प्रोडक्ट की पूरी डिटेल मैं आपको नहीं दे पाती हूँ। सो फ्रेंड मैं यहाँ पे 2 आइटम्स लेकर आई हूँ। जो फर्स्ट आप वाले हैं वो है डेकोरेट के आइटम और जो सेकेंड है वो है स्टोरेज के। सो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से और ये है स्टोरेज कंटेनर। आई मीन्स आप इसे जार भी बोल सकते हो बिकॉज ये ग्लास का जार है, मटका शेप में है ये। और इसकी जो क्वांटिटी वो 6 मुझे रिसीव हुई है और एक जार की जो कैपेसिटी है वो आपको 400 ml की मिल जाती है। और फ्रेंड इन 6 की जो प्रॉपर MRP वो है 999 rupees, आई मीन 999 rupees है बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 285 rupees का पड़ गया है। ग्लास की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आप लोग इसे यूज कर सकते हो किचन के जितने सारे मसाले वगैरह होते हैं उनको स्टोर करने के लिए। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो, फ्रिजर सेफ है ये और लीक प्रूफ है ये। आपके जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं आई मीन जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए या फिर जो ड्राई मसाले हो गए आपके, उन्हें आप स्टोर कर सकते हो अच्छे तरीके से इनमें। और देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है ये, इसकी जो डिज़ाइन और शेप है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बात करूँ मैं प्रोडक्ट की तो कुछ इस तरीके से कैट बोर्ड भी मुझे रिसीव हुआ है वो, और आप तो कुछ इस तरीके से आपको पैक करके देते हैं जिससे कि आपका जो जार है वो ब्रेक होने के उसका कोई भी चांसेस नहीं होता है। जैसे फ्लिपकार्ट से या फिर किसी अदर वेबसाइट से आप ग्लास के जो बर्तन वगैरह होते हैं, मेरे जैसे जार हो गए, कंटेनर्स हो गए, या पता नहीं मेरा मतलब प्रोडक्ट कैसे मुझे रिसीव होगा, वो कैसा होगा, वो डैमेज तो नहीं हो जाएगा, टूट तो नहीं जाएगा, उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, तो आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे बिकॉज इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। कुछ ही तरीके से आपको ये कैट बोर्ड भी दे देते हैं जिससे आपका जो प्रोडक्ट वो डैमेज नहीं होता है, फुल सपोर्ट रहता है इन पार्टीशन से। और ये कैट बोर्ड के पार्टीशन इसमें दिए गए हैं जिससे कि आपका जो जार है एक दूसरे से भी नहीं टकराता है, ये अलग अलग तरीके से पैक करके रखते हैं। इनमें आप इस कैटबोर्ड का जो बॉक्स है इसे बाद में रियूज भी ले सकते हो अपने अदर प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फ्रेंड बात कर लेती हूँ मैं कंटेनर की, एम एस जार की, तो कुछ इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ है और ये क्लियर ग्लास है, कुछ इस तरीके से है, मटका से भी रिसीव हुआ है। सबसे इसका यूनिक जो है उसकी कैप है, कैप आपको कुछ इस तरीके से मेटल की मिल जाती है और ये चेकेड कैप है, आई मीन्स आपको कैप के ऊपर थोड़ी डिजाइन मिल जाती है जिससे कि जो मटका की क्वालिटी है और इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। और इसमें 2 कलर अवेलेबल है आपके कैप के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है रेड एंड सेकेंड है ब्लू, कुछ इस तरीके से है ये। अलग अलग साइजों में अवेलेबल है ये और अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। अगर आप लोग इस जार को परचेज करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी हूँ, आप वहाँ से खरीद सकते हो। फ्रेंड मुझे इसमें 6 जार रिसीव हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है और सेकेंड ये है, कुछ इस तरीके से है सारे ये। इनमें आप ड्राई फ्रूट मसाले वगैरह रख सकते हो या फिर अपने मेकअप की जो DIY आपके फेस मास्क हो गए, फेस पैक हो गए या फिर हेयर मास्क हो गए उनको भी आप स्टोर कर सकते हो। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, पर्पल्स या फिर मिराओ, AJIO, फर्स्ट क्राई, बहुत सारे एप्लीकेशन आजकल अवेलेबल हैं, बहुत सारी वेबसाइटें अवेलेबल हैं, तो आप लोग उन सब पे प्रोडक्ट तभी परचेज करें जब उन पे अच्छे खासे डील चलते रहते हैं, जब ऑफर आते हैं तभी आप उन्हें परचेज करें। जिसको मैं अपने थर्ड कंटेनर की तो कुछ इस तरीके से है जिसमें मैंने आलमोंड ऑर्गेनाइज करके रखा है और ये एयर टाइट कंटेनर है आपका, इसके अंदर कोई भी हवा वगैरह नहीं जाएगी, आपका जो भी आप इसमें प्रोडक्ट डाल के रखते हो वो मॉइस्चराइजर फ्री रहेगा। उसके बाद बात करूँ मैं फोर्थ की जिसमें मैंने कुछ इस तरीके से काजू ऑर्गेनाइज करके रखा है, आई मीन स्टोर करके रखा है, और इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हो, फ्रीजर सेफ है। और 5 में मैंने कुछ इस तरीके से छुहारा बोलते हैं उसे रखा है बिकॉज अभी ये खाली होने वाला, बट क्लियर रहता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, आपके अंदर जो इसका प्रोडक्ट होता है वो आपको विजिबल होता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ग्लास के उसमें आपको खोल खोल के नहीं देखना पड़ता है, फिर याद नहीं करना पड़ता हाँ मैंने तो उस वाले डिब्बे में रखे थे फिर इसमें रखे थे, ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। सो मैंने 6 वाले लास्ट वाले में कुछ इस तरीके से रखा है, मसाला है और ये होम मेड मसाला है, आई मीन्स आप इसे गर्म मसाला भी बोल सकते हो।
जो जितने सारे ड्राई मसाले होते हैं उनको रोस्ट करके उसके बाद पीस करके तब फिर बनाती हूँ मैं ये मसाले, ज़्यादातर पनीर वगैरह के लिए या फिर कोई जैसे ऐसे ग्रेवी वाली सब्जी बनानी हो तो उसके लिए मैं इसे यूज करती हूँ। सो फ्रेंड कुछ इस तरीके से रहा ये, और ये मुझे 285 के 6 रिसीव हुए हैं। अगर आप परचेज करने में इंटरेस्ट हो तो ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ऑफर आजकल चल रहे हैं। बात करूँ मैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तो कुछ इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ है वो, और ये आउटर पैकेजिंग इसकी कैटबोर्ड में है बट ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था कुछ इस तरीके से ये देखिए, बट अंदर का प्रोडक्ट थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हुआ था। और बात करूँ मैं इस प्रोडक्ट की तो ये है ऑर्चिड इंजीनियर्स का रिमोट स्टैंड है ये, और एक कई सारे वाइब्रेंट कलर में अवेलेबल है। आप लोग अपने रिकमेंडेड के अकॉर्डिंग अपना जो कलर है उसे परचेज कर सकते हो। फ्रेंड इस रिमोट स्टैंड की जो कीमत है वो आपको पड़ जाती है 599 रुपीज़, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे पड़ा है सिर्फ 299 का। और आपको इसमें पूरा स्टेनल स्टील का स्टैंड मिलता है, काफ़ी यूनिक सा सेफ है, और इसका जो सेलर नेम है वो है आर्चिड इंजीनियर। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप वहाँ से खरीद सकते हो। बात करूँ मैं स्टैंड की तो मुझे कुछ इस तरीके से मिला है ये, इसमें आप अपने एसी के, टीवी के या फिर आपके डिश वगैरह के रिमोट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। क्वालिटी मुझे कुछ इस तरीके से रिसीव हुई है, स्टैंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, आप देख सकते हो प्योर स्टील का है। ये जो हैवी वाली रॉड होती है स्टील की उसको करके बनाया गया है ये, क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, और फ्रंट पे आपको कुछ इस तरीके से ये डोरी है, आप लैस भी बोल सकते हो, और इसका जो स्टील का शेप देके उसको कुछ इस तरीके से इसमें रैप कर दिया गया है जिससे ये पगड़ी हो गई, एक कपड़े हो गए ऊपर का, और ये बॉटम बियर हो गया। तो इस तरीके से लगता है जैसे कोई भी आदमी जो है वो रिक्शा को खींच रहा है। ये देखिए आप रिक्शे शेप में मिल जाता है ये, और बहुत देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कहीं पे भी आप इसे स्टैंड करके रख सकते हो, एज ए होम डिकोर भी कर सकते हो आप इसे। लुक वाइज एकदम अमेजिंग है ये, और क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर है तो आप लोग इसे ले सकते हो का। और उसके बाद कुछ इस तरीके से रिमोट जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये देखिए, और आपका जो रिमोट होता है एक जगह से आप मिल जाता है। सो फ्रेंड आप इसे परचेज कर सकते हो, अमेजोन पे अभी भी सेल चल रहा है, 30 नवंबर तक रहेगा, तो आपके लिए अच्छा खासा ऑफर। अगर आप कोई भी शॉपिंग करना चाहते हो घर के लिए, कपड़ों के लिए या फिर गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए तो आप ले सकते हो, वहाँ पे दिए वगैरह भी बहुत अच्छे खासे अमेजिंग ऑफर में आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। सो फ्रेंड आजकल मैं रेगुलर वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ बिकॉज आजकल थोड़ा काम का सीजन है। काम का सीजन मतलब कि मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है तो मुझे भी उनके साथ हेल्प करनी पड़ती है, तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास शूट का टाइम नहीं होता है। आज संडे है जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिला इसलिए मैं शूट कर रही हूँ, और मैं आपको वन डे गैप करके ही अभी डालूंगी कुछ दिन तक, उसके बाद मैं रेगुलर पोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगी। सो फ्रेंड ये मेरी आज की वीडियो, दिवाली शॉपिंग सेल अनबॉक्सिंग रिव्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ एक लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर सकें। सो फ्रेंड मिलते हो आपको नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक